हाय गाइस, आज इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा डीएनए क्लोनिंग में हम कौन कौन से एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, डीएनए क्लोनिंग हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं और इसका क्या पर्पस होता है। ये ऑलरेडी हम इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब डीएनए क्लोनिंग का कंप्लीट ओवरव्यू क्या है वो हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि यहाँ आपको क्लियर हो सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा डीएनए क्लोनिंग, या फिर डीएनए को हम जीन क्लोनिंग भी बोल सकते हैं, कि जीन क्लोनिंग में कौन कौन से एंजाइम्स का हम यूज़ करते हैं। मेनली एंजाइम्स की हम बात करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जैसे सपोज़ ह्यूमन जीनोम है, हम इसको पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे हम ह्यूमन जीन को क्लोन करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये डीएनए है, ह्यूमन डीएनए है। ह्यूमन डीएनए में यहाँ पर सपोज़ ये सेगमेंट जो है, इसको हम इस सेगमेंट से इस पार्ट को मान लेते हैं हम ये इंसुलिन का जीन है, और इस इंसुलिन के जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करनी है, इस जीन को हम क्लोन करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरई मींस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के साथ इनक्यूबेट करते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आप मान सकते हैं यहाँ पर हमने ट्यूब ली और इस ट्यूब में हमने ह्यूमन का जो डीएनए है वो भी है और प्लस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। देन उसके बाद हम इस ट्यूब को इनक्यूबेट करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रख देते हैं, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो इस ट्यूब में जो हमने ये डीएनए लिया था, इस डीएनए के हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हमारा डीएनए है इसको स्पेसिफिक सीक्वेंस पर रिकॉग्नाइज करता है और इस डीएनए में कट प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हमें मिलते हैं। अब आप यहाँ मान सकते हैं ये डिफरेंट डीएनए के सेगमेंट्स हैं, जिसमें एक पार्ट ये वाला पार्ट है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये यहाँ पर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो अभी हमारा यहाँ पर क्लीव हो चुका है। देन इसके बाद इस ये अब हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, मतलब आप मान सकते हैं ये इंसुलिन का जीन है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे यहाँ आप देखेंगे ये हमारा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हमने ले लिया। नेक्स्ट होता है इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के अकॉर्डिंग वेक्टर सेलेक्ट करना। अब सपोज़ अगर हम क्लोनिंग करना चाहते हैं या सपोज़ हम इंसुलिन के जीन को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम सपोज़ हमने कोई एक्सप्रेशन वेक्टर यूज़ किया, ठीक है। एक्सप्रेशन वेक्टर का क्या मतलब होता है कि जैसे एक्सप्रेशन क्या मतलब हुआ कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा एंड देन आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, तो यानी डीएनए ने एक्सप्रेशन शो किया, डीएनए एक्सप्रेस हुआ। तो ये जो एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं ये वो वेक्टर होते हैं जिसमें अगर हम अपने जीन को क्लोन करते हैं, जीन को अटैच करते हैं, लाइगेट करते हैं, जीन क्लोनिंग के बाद जीन हमारा एक्सप्रेशन भी शो करता है, मतलब हमें प्रोटीन भी मिलेगी इस जीन से। तो सपोज़ इस केस में हमने एक्सप्रेशन वेक्टर यूज़ किया, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं डिफरेंट कलर से ये हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर है। वेक्टर भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब इस वेक्टर को भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के साथ इनक्यूबेट करते हैं, मतलब वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिक्स करके इस ट्यूब में हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से जो ये वेक्टर है इसमें कट प्रोड्यूस होते हैं। वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर रिकॉग्नाइज करता है और इसमें कट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा क्लीव्ड वेक्टर है, देन इस क्लीव्ड वेक्टर को हम लेते हैं और अभी यहाँ जो हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पर इंसुलिन का जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी हम यहाँ लेते हैं, ये प्लस एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। देन इसको हम लाइगेट करते हैं लाइगेज एंजाइम से, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा वेक्टर मॉलिक्यूल है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ लाइगेट हो जाता है। तो ये हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये सभी स्टेप्स यहाँ पर ये हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ।
अब यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब अगर हमने इसको मैं इसको हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं कि जब यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इस स्टेप पर यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करके जब हमने डीएनए को क्लीव किया तो पॉसिबली ये हो सकता है ये जो हमारा डीएनए का यहाँ पर आप मान लेते हैं ये डीएनए ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो और यहाँ पर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे यहाँ हमें ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉपर लाइगेशन नहीं होगा अगर ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप ऐड है तो इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए कुछ एंजाइम्स आते हैं या फिर आप यहाँ मान सकते हैं कि जैसे सपोज़ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप कम है हमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप चाहिए यहाँ पर जिसकी वजह से ये हमारा डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से वेक्टर के साथ लाइगेट हो सकता है तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए या फिर हम इस ये डीएनए सेगमेंट है यहाँ पर हमारा इस डीएनए से पहले हम आरएनए सिंथेसाइज करना चाहते हैं एंड देन इस आरएनए को हम क्लोन करना चाहते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है मतलब अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हैं लेकिन हमें वो न्यूक्लियोटाइड नहीं चाहिए हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में या हमारे वेक्टर मॉलिक्यूल के टर्मिनल्स पर अगर कुछ मॉडिफिकेशन हमें करना है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो सभी एंजाइम हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो एंजाइम्स यूज़ किए हैं तो ये यही सेम पॉइंट्स इस वीडियो में जो भी यहाँ पर इस पीपीटी पर रिटर्न में दिया गया है इसको आप एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके और अपने एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से इसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेफरेंस के तौर पर टी ए ब्राउन बुक से यहाँ रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया है इसको। तो जो मेनली एंजाइम यूज़ किए जाते हैं वो न्यूक्लियेजेस यूज़ किए जाते हैं लाइगेजेस पॉलीमरेजेस एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। मॉडिफाइंग एंजाइम रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं केमिकल ग्रुप्स को। पॉलीमरेजेस मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और लाइगेजेस जैसे यहाँ पर हम लाइगेट करते हैं वेक्टर मॉलिक्यूल और जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करने के लिए हम लाइगेज यूज़ करते हैं तो लाइगेजेस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं और न्यूक्लियस अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड उसको कट करना या डिग्रेड करना इस पर्पस के लिए न्यूक्लियेजेस यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ से पता चलता है न्यूक्लियेजेस मतलब न्यूक्लिक एसिड और जहाँ पर भी एजिस वर्ड आ जाता है तो यानी वो एंजाइम है एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो न्यूक्लियेजेस लाइगेजेस पॉलीमरेजेस मॉडिफाइंग एंजाइम ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं तो जैसे पता चलता है नाम से ही पता चलता है ये पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में ये हमारा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये जो स्ट्रैंड है ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और पॉलीमरेज एंजाइम को एक प्राइमर सीक्वेंस भी हमेशा चाहिए रहती है। प्राइमर सीक्वेंस मतलब शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इस शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ये शॉर्ट ऑलिगो मतलब ये कुछ ही ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स की मिलकर बनी होती है। इस शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के 3' एंड पर ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर ये जो 3' एंड है इस 3' एंड पर आकर पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है क्योंकि 3' एंड पर अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर है तो 3' एंड पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिक्वायर्ड रहता है। इस वजह से यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3' एंड पर आकर बाइंड होता है और यहाँ इस इमेज में आप देखेंगे ये प्राइमर था हमारा शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसके 3' एंड पर आकर पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो गया और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को वो रीड करते हुए न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में ऐसे ऐसे वन बाय वन ऐड करते हुए चलते हैं। यहाँ पर जो पॉलीमरेज की जो डायरेक्शन है
पॉलीमरेज की क्या डायरेक्शन है, जो पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में रन हो रहा है, पॉलीमरेज रन हो रहा है 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। पॉलीमरेज 5 ऐसे इस डायरेक्शन में पॉलीमरेज ऐसे जा रहा है ना हमारा पॉलीमरेज, तो यहाँ पर आप देखिए 5' to 3' डायरेक्शन में रन हो रहा है। लेकिन ये जो टैम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये जो हमारा टैम्पलेट स्ट्रैंड है, इस टैम्पलेट स्ट्रैंड को किस डायरेक्शन में रीड कर रहा है, रीड कर रहा है ये 3' to 5' डायरेक्शन में, ये इसको रीड कर रहा है, और रीड करते हुए 5' to 3' डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं और इस तरह से ये काम करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमरेज एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसको कॉरनबर्ग पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये डुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे डीएनए पॉलीमराइजेशन जो कि अभी हमने डिस्कस किया, एंड डीएनए डिग्रेडेशन। ये 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है, जैसे कि यही 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी और 5' to 3' एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 5' to 3' एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, यानी ये यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड है ये, इसके 5' to 3' और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पॉलीमरेज एंजाइम है, तो 5' to 3' यानी इस डायरेक्शन में भी अगर यहाँ कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऑन द वे आ जाता है तो ये इसको भी एक्सोन्यूक्लियस मतलब क्लीव कर सकता है, कट कर सकता है, या फिर 3' to 5', या इन केस अगर कोई बैक एंड पर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, अगर ये जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड करते हुए चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो इसको ये वापस से मुड़कर वापस पीछे आएगा, पीछे आकर वापस से इसको क्लीव करके देन अगेन न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हुए चलेंगे, तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम होता है ये सब एक्टिविटी शो करता है। और यहाँ पर अगर कोई निक है, जैसे डीएनए में अगर कोई कट प्रोड्यूस हो गया है और उस कट को हम फिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम अगर हम यूज़ करते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहले तो यहाँ 3' एंड पर आकर बाइंड करेगा, 3' एंड पर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए चलेगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री, टी का कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते चलेगा। लेकिन 5' इसकी पॉलीमरेज एंजाइम की जो डिग्रेडेशन एक्टिविटी है 3' to 5' या 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो अब ये जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये देखते हैं, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, अब लेकिन ऑन द वे जी सी ए टी ये सभी अटैच्ड हैं, तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जी को रिमूव करता है और अगेन न्यू जी को ऐड करेगा, सी को रिमूव करेगा देन अगेन न्यू सी को ऐड करेगा, ए को रिमूव करता है, टी को रिमूव करता है और न्यू ए एंड टी ऐड करेगा, तो ये क्या हुई 5' to 3' रन हो रहा है ना डीएनए पॉलीमरेज, तो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस ये अपने आने वाले पाथ में जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हुए जा रहे हैं उनको रिमूव करते हुए जा रहा है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हुई, तो ये डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू तो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ ही हुआ, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ ये जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे ऑलरेडी वो भी रिप्लेस होकर अगेन न्यू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए। तो ये जो इसकी डीएनए पॉलीमरेज की जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ये इनिशियल 323 अमाइनो एसिड्स में रहती है, अगर हम इसके अमाइनो एसिड बेस पर या प्रोटीन बेसिस स्ट्रक्चर देखें, तो अगर हम इसके इस पार्ट को रिमूव कर दें, ये जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है मतलब जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हुए चल रहा है, अगर इस एक्टिविटी को हम रिमूव कर दें इसको, तो इसके पास तो जो नया फ्रेगमेंट फॉर्म हो कराता है उसको हम क्लेन्यू फ्रेगमेंट बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। क्लेन्यू फ्रेगमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी रहती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उसमें नहीं होती है। तो यहाँ आप देखेंगे अब ये सेम सीक्वेंस, ये हमारा टैम्पलेट स्ट्रैंड है,
ये हमारा प्राइमर सीक्वेंस है और यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो थ्री पॉलीमरेज यहाँ आकर बाइंड करेगा, इस सीक्वेंस को एज अ प्राइमर यूज़ करेगा। इस सीक्वेंस पर अगर जब ये बाइंड करता है तो सिर्फ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे इनको नहीं रिमूव करेगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स नहीं रिप्लेस हुए, सिर्फ जो निक था, जो गैप था, सिर्फ वो फिल हुआ। तो यानी इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी तो मेंटेन्ड है, लेकिन जो इसकी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो रिमूव कर दी गई है, वो हटा दी गई है। तो उसको बोलते हैं हम क्लेन्यू फ्रेगमेंट। तो इसके अलावा क्लेन्यू फ्रेगमेंट या डीएनए पॉलीमरेज वन के अलावा टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर पीसीआर मशीन के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये एंजाइम्स बहुत सारे वायरसेस इन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हम आरएनए टू सीडीएनए सिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर जस्ट मैंने जो अदर पॉलीमरेज एंजाइम है वो यूज़ किए हैं, अदरवाइज जो मेन पॉलीमरेज एंजाइम जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर क्लेन्यू फ्रेगमेंट या डीएनए पॉलीमरेज वन एंजाइम है। और किस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीड करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को और किस डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आई होप यहाँ मैं आपको क्लियर रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन रहेगा न्यूक्लियसेस के बारे में, लाइगेसेस एंड स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हम कवर करेंगे न्यूक्लियस क्लास में, एंड लाइगेसेस एंड सम डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स।